देखो, लाल चंदन की जो लकड़ी होती है उसको फिर से इंडेंजर्ड घोषित कर दिया है, ठीक है। लाल चंदन वैसे भी बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहा है, न्यूज़ में तो नहीं, इंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि पुष्पा मूवी में इसी लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी को दिखाया गया है, ठीक है। और अभी अभी ये लाल चंदन जो है ये IUCN के स्टेटस में इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है फिर से। मतलब ये पहले भी रह चुका है इंडेंजर्ड की लिस्ट में, लेकिन 2018 में नियर थ्रेटेंड हो गया था, मतलब थोड़ा सा सुधार आया था इसमें, लेकिन अभी फिर से इंडेंजर्ड की लिस्ट में ये शामिल हो चुका है, मतलब इंडेंजर्ड कैटेगरी में फिर से आ गया है, ठीक है। अब थोड़ा इस लकड़ी के बारे में हम जान लेते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टेरोकार्पस सैंटालिनस, जिसको कॉमनली रेड सैंडर्स कहते हैं, रेड सैंडलवुड कहते हैं, रेड सॉन्डर कहते हैं, येरा चंदनम कहते हैं, रक्त चंदना भी कहते हैं, ठीक है। ये जो स्पीशी है ये टेरोकार्पस की स्पीशी है, ठीक है। ये सिर्फ पूरे इंडिया में सदर्न ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है, साउथ इंडिया के, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के जो जंगल है वहाँ पर पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के जंगल जो ईस्टर्न घाट्स में है वहाँ पर ही पाया जाता है, और वहाँ का एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब सिर्फ वहीं पाया जाता है, ठीक है। ये जो लकड़ी है इसकी इतनी ज़्यादा स्मगलिंग इसलिए होती है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। जो नॉर्मल चंदन होता है वो लाल तो होता नहीं है, और नॉर्मल चंदन में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, हमको पता है, ठीक है। चंदन की अगरबत्ती देख लो, चाहे कुछ भी देख लो आप, नॉर्मल चंदन जो होता है उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो रेड सैंडलवुड होता है, ये जो लाल चंदन की लकड़ी होती है, ये बिल्कुल भी खुशबूदार नहीं होती है, इसमें एरोमा नहीं होता है, ठीक है, खुशबू इसमें नहीं होती है। देखो, काफ़ी महंगी चीज़ों में इसका यूज़ होता है, महंगे महंगे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद इससे जापानीज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, जो कि मूवी में शायद दिखाया गया, मैंने तो देखी नहीं है, सुनी है, बट आप एक बार देखना। तो इसकी स्मगलिंग जो है जापान की तरफ बहुत ज़्यादा करी जाती है, इंडिया से जापान भेजा जाता है स्मगलिंग करके, क्योंकि जापान में ये काफ़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के यूज़ में आते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे गिटार वगैरह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो वैसे ही जापान में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के यूज़ में इसको लाया जाता है। मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। कई तरीके की टॉनिक्स, उसके बाद और भी कई तरीके की दवाइयाँ बनाई जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि कई सारी लकड़ियों से, पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाई जाती है, उसी तरीके से इस लाल चंदन की लकड़ी से भी कई तरीके की दवाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है। और ये लाल चंदन इतना खूबसूरत दिखता है, तो उससे एक चीज़ तो आपको हमेशा याद रखनी कि कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी इससे बनाई जाती है, ठीक है। मेकअप वगैरह की कई सारी चीज़ें लाल चंदन की लकड़ी से बनाई जाती है, तो काफ़ी महंगे यूजेस है। मेकअप का सामान भी काफ़ी महंगा बिकता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी महंगा बिकता है, मेडिसिनल यूज़ भी इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए रेड सैंडर्स जो है वो काफी चर्चा में भी रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, पूरे इंडिया में वहीं पर एंडेमिक है, ठीक है, और एंडेंजर्ड की लिस्ट में शामिल हो गया है। अगर पूछे कि IUCN का क्या स्टेटस है तो लगा देना इंडेंजर्ड, ठीक है। यूजेज मैंने आपको बता दिए हैं, एक तो पुष्पा मूवी अभी अभी आई है, तो बहुत ज़्यादा पुष्पा मूवी भी हिट हुई है, और लाल चंदन भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, ठीक है, ऊपर से ये न्यूज़। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि रेड सैंडर्स क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज़्यादा करेंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।